सुनीता, अरे ओ सुनीता, सुनती हो? अरे हाँ चिंटू के पापा, बताइए क्या बात है? अरे बोल रहे थे कि हमको आज ऑफिस जल्दी जाना है, हमारे लिए नाश्ता बना दो थोड़ा। क्या बताएं चिंटू के पापा, अब आपसे कुछ छुपा भी तो नहीं सकते। अरे ऐसा क्या हो गया अचानक जो बता नहीं सकते? सुबह तक तो सब ठीक ही था। अरे आपकी कसम चिंटू के पापा, एकदम सर फटा जा रहा है, और तो और बुखार भी हो रखा है। अब बताइए आप ही कैसे बनाए नाश्ता आपके लिए। अरे चलो कोई ना, हम तो सोच रहे थे शाम को शॉपिंग वगैरह करा दे तुमको, पर तुम्हारा तबीयत ही ठीक नहीं है, चलो छोड़ो दूसरे दिन चला जाएगा। अरे चिंटू के पापा आप भी ना एकदम सीरियस ले लेते हैं, हम तो मजाक में बोले कि हमारा तबीयत ठीक नहीं है, चलिए चला जाए शॉपिंग करने। अरे चिंटू की मम्मी, हम भी तो मजाक में ही बोले कि शॉपिंग करने जा रहे हैं हम लोग, सब तुम्हारी बीमारी का इलाज जानते हैं हम, जाओ जाके नाश्ता बनाओ जल्दी। अजी सुनते हो? अरे हाँ चिंटू की मम्मी, बोलो क्या बात है। अजी आप शराब में पैसा बहुत खर्चा करते हैं, आज से शराब पीना बंद। अच्छा, और तुम जाकर ब्यूटी पार्लर में 5-5 हजार रुपया रोज खर्चा करते हो, उसका क्या? अरे वो पैसा हम इसलिए खर्चा करते हैं ताकि हम आपको अच्छा लगे। और तुम उतना शराब क्यों पीते हो? अरे पगली, हम इसलिए पीते हैं कि तुम मुझे सुंदर लगे।